क्या होगा जो किया, तो मैं वो इंसान ना बनता जो आज हूँ। तो फाइनली दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का 10th पार्ट फास्ट एक्स ने आज 10 दिन कंप्लीट करके 11वें दिन में एंट्री मान ली है। और क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, ना कि सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर बल्कि इंडिया में भी। जबकि इंडिया में केरला स्टोरी जैसे मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग मूवी ने पहले ही कब्जा जमा कर रखा है, उसके बाद भी रोज एक मोटी अच्छी कमाई अपने खाते में रख रही है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, मूवी कैसी है, लोगों को ये 10वां पार्ट पसंद आ रहा है या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी इस जबरदस्त एक्शन एंटरटेनमेंट और कार स्किल्स सेवरी फिल्म के डाई हार्ट फैन हैं और फास्ट एक्स का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म को बहुत पसंद करा जा रहा है, जो भी थिएटर से बाहर निकल रहा है पैसा वसूल करके निकल रहा है। हां ये है कि ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक की कमी महसूस तो हो रही है, लेकिन जॉन सीना, जेसन स्टैथम और द मोस्ट अमेजिंग विलेन द साइकोपैथ जेसन मोमोआ ने इस कमी को पूरी कर डाला है। तो आंकड़ा तो रोज ही चढ़ता ही जा रहा है फिल्म का। दोस्तों एक्शन ड्रामा फैमिली वैल्यू लेसन और कार स्किल की जबरदस्त हाईफाई तोड़ मरोड़ स्किल से भरी फिल्म फास्ट एक्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। रोज एक मोटी कमाई अपने खाते में रखकर इस फिल्म ने साबित कर दिया कि चाहे 22 साल हो जाए या फिर 50 साल ही क्यों ना हो जाए, मेरी फैन फॉलोइंग अमेजिंग है और हमेशा रहेगी। या दोस्तों बात करें इंडिया में कैसी ओपनिंग रही फिल्म की, तो यस धमाकेदार ओपनिंग के साथ मूवी ने पहले ही दिन इंडिया से भारी भरकम रकम खाते में रखकर जबरदस्त खाता खोला और लगभग 12.5 करोड़ का कलेक्शन अपने पहले ही दिन करा। इसी के साथ दूसरे और तीसरे दिन भी अच्छी ग्रोथ करते हुए और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज कलेक्ट करते हुए मूवी ने अमेजिंग ट्रेंड पर अपना नाम दर्ज किया। साथ ही चौथे दिन भी रिदम में कमाई करते हुए पहले 4 दिन में ही लगभग 60 करोड़ के आसपास सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से आंकड़ा अपने खाते में रखा था। इसी के साथ अपने पहले ही हफ्ते में 79 करोड़ 40 लाख का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था। और दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी रिदम में करते हुए 8वें दिन 4 करोड़ 15 लाख रुपए, 9वें दिन 3 करोड़ 10 लाख और कल यानी 10वें दिन में 5 करोड़ 30 लाख का स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर दे रही है और केरला स्टोरी जैसी फिल्म को दिग्गज टक्कर दे रही है। बात करें आज यानी 11वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस अपने 6वें दिन भी मॉर्निंग से ही अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ लगभग एडवांस में 2 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करते हुए और आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छे सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद से शायद 5.5 करोड़ के पास माई कर लेगी। और इसी के साथ शुरुआती 11 दिन के टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 93 करोड़ से ऊपर सेट कर देगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि फास्ट एक्स इंडिया में 200 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी और पूरी दुनिया में क्या 5000 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रख पाएगी। दूसरा, अगर आप लोगों ने भी फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।